अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपकी होस्ट और आज आपकी टूरिस्ट गाइड आयशा महफूज आपके सामने है। हमने कुछ दिन पहले जो है नॉर्दर्न एरियाज़ का जो है टूर किया था, तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, घुमाऊंगी अपने साथ कि हमारा वो ट्रिप कैसा रहा। और हमने बहुत इन्जॉय किया सफ़र, जो है बहुत थकान अमेज था लेकिन फिर भी बहुत इन्जॉयफुल था। और हम लोग जो है नारान से बाबूसर टॉप गए, झील सैफुल मुलुक गए, फिर हम लोग शोकडान गए, वहाँ से हम लोग सिरी और पाए गए। तो हमारा तमाम सफ़र बहुत हसीन रहा, पाकिस्तान एक जन्नत से कम नहीं है। तो आइए दिखाती हूँ आपको जो हमने इन्जॉय किया और आप। मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग नारान की तरफ सफ़र कर रहे हैं। मानसेरा से जो है वो हमने हाईएस्ट बुक कराई है और अब हम नारान की तरफ जा रहे हैं। सफ़र बहुत तवील हो चुका है, हम लोग रात से 11 बजे से घर से निकले हुए हैं और अभी भी जो है वो हम सफ़र में ही हैं। तवील होने के साथ साथ इन्जॉयमेंट भी हो रही है, इन्जॉय भी कर रहे हैं। अपने अपने व्यूज़ दे दें आप लोग। आप यकीन करें बाजी कि हम रात को 12:15 बजे के निकले हैं। 11:30 बजे सवा 12 बजे वाली गाड़ी थी, उसने गाड़ी 1 बजे चलाई। बाजी यकीन करें रास्ते में कितनी स्पीड में लाया, इतनी स्पीड में लाया कि ब्रेक में उसको ना पड़ जा पाए, तो फिर जो साड़ी पेड़ वाली भी मान फिर जाना है। फिर बाजी उसने हमें ना 9:15 बजे ना मानसर उतारा है। फिर हमें मिल गए भाई साहब, ये मिल गए। इन्होंने 1.5 घंटे में CNG फुल कराई, 2 घंटे में CNG फुल कराई। हमने तो कहा 1.5 घंटे का सफर होगा, बाजी सुतने पे आ गया गड्डी। बच्चे खाली पेट उल्टियां कर करके उल्टे हो गए थे। व्यूअर्स, लाहौर से नारान तक का रास्ता जो है वो तकरीबन 6-10 किलोमीटर है, 11 घंटे लगते हैं पहुंचने में, लेकिन हम लोगों को जो है वो 16 घंटे लगे। एक तो हमारी स्टार्टिंग बस ही रात में 1 घंटा लेट हो गई और फिर जो 9:30 बजे मानसेहरा से जब हम लोगों ने हाईएस्ट बुक कराई तो तकरीबन 2 घंटे तो हमें सिर्फ CNG भरवाने में ही लगे। तो हम 4 बजे अपने नारान होटल में पहुँचे और इतना थक चुके थे कि जस्ट आराम किया हमने कुछ देर और फिर अपनी थकावट उतारी और उसके बाद जो है हम लोग नारान में ही बाज़ार में थोड़ा घूमे, देखा और थोड़ी शॉपिंग की अपनी। ये है मून रेस्टोरेंट और यहाँ पे हम लोगों ने रात में खाना खाया था। और क्योंकि नारान रास्ते में आते हुए जो है मेरे हबी की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, वॉमिटिंग वगैरह की, तो
नेक्स्ट डे का प्लान वो कैंसिल कर रहे थे, मुझे काफ़ी फोर्स कर रहे थे कि हम लोग जो है वो होटल में स्टे करेंगे, आगे नहीं घूमने फिरने जाएंगे। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो माशाल्लाह सबसे ज़्यादा फ्रेश यही थे और सबसे पहले रेडी भी यही हुए थे। ये हमारे होटल का व्यू है, कुनहार व्यू, और बहुत ही पुरफिजा माहौल में बहुत ही खूबसूरत व्यू था यहाँ पे। आज हमने प्लान किया है कि आज हम जो है वो बाबूसर टॉप जाएंगे और फिर हम झील सैफल मुलुक जाएंगे, और फिर हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया जो कि रुकते रुकाते एंजॉय करते हुए हमारा सफ़र जारी रहा बाबूसर टॉप की तरफ। बर्फ़ जमी हुई नज़र आई तो बस हम लोग दीवाने हो गए और एक दूसरे को बर्फ़ मारने लगे, और मैं तो बिल्कुल ही भूल गई थी कि मेरे हाथ में कैमरा है। तो बस जैसी वीडियो बनी बनती ही चली गई। बाबूसर टॉप की तरफ हमारा सफ़र जो है वो रवा दवा है, और मनाजिर बहुत ही खूबसूरत है, दिल फरेब मनाजिर हैं। पाकिस्तान जो है वो एक जन्नत के मानंद है, इसके नॉर्दर्न एरियाज बहुत ही हसीन है। जो इस बाबूसर टॉप हम लोग पहुंच चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बर्फ जमी हुई है और यहाँ पर थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है जो कि मेरे बेटे को और बेटी को बहुत ज़्यादा हो रहा था। करे
बीच में नहीं आ रहे दोनों कटे। चले बाबू सर टॉप पे भरपूर इंजॉय करने के बाद हमारी अगली मंजिल थी झील चापुल मुलुक, और जिसका रास्ता जो है बहुत ही दुश्वार गुजार था, बहुत ही एडवेंचरस था। पथरीला एक तरफ खाई, दूसरी तरफ पहाड़, रास्ते पर उसी रास्ते एक ही रास्ते पर जीप आ रही है जा रही है, और कई दफ़ा तो दिल जो है वो उछल के हलक में आ रहा था और हम लोग कलमा पढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही हम लोग जो है वो झील चापुल मुलुक पहुँचे तो वहाँ के हसीन और दिल फरेब नज़ारे देखकर हम लोगों के अंदर का जितना डर खौफ था वो सब निकल गया, और फिर हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। दिल बाहर आ गया। रोज नारायण से नेक्स्ट मॉर्निंग हमारी वापसी थी। पहले हम लोग लुलू सर लेक गए जहाँ पर रिवर राफ्टिंग पॉइंट्स हैं, तो वहाँ हमने रिवर राफ्टिंग की और बहुत ही थ्रिलिंग एडवेंचरस वो हमारा जो है एक्सपीरियंस रहा। बहुत ही मज़ा आया, यह ठंडा पानी था और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा एक्सपीरियंस रहा।
रास्ता बहुत मुश्किल है बिल्कुल बुलंदी पे। देखिए नाज़रीन, पहाड़ नीचे हैं, बादल ऊपर है। बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये हम इतनी ऊंचाई पे हैं, 8,500 फीट बुलंद। माशाल्लाह जन्नत का नजारा। ट्राई किया तारान कावान में भी और सिरीपाय में भी, और सिरीपाय से वापसी फिर हम लोगों की शोग्रान में हुई और वन नाइट स्टे था जिसमें हमने कैंपिंग की, तो हमारा कैंपिंग का एक्सपीरियंस भी बहुत ज़बरदस्त रहा। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग शोग्रान से बालाकोट गए और बालाकोट में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा लंबे स्टे नहीं किया, जैसे हमने वहाँ पर कॉफ़ी पी थी, लेकिन उसके लिए मैं पिक्चराइज नहीं कर सकती, टाइम बहुत शॉर्ट था हमारे पास। आप सबको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारे सफ़र बहुत पसंद आया होगा, आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।